Good evening, everybody. Welcome to the Paradigm Shift. Today, we are in conversation with the very, very, very sweet Lajoma. Good evening, Lajoma. Aap kaise ho? Good evening, beta Deepshikha. And good evening, all the viewers. Main theek hoon, beta. Okay. What's about you? Everything's fine. So before we start, मैं आपके बारे में थोड़ा सा आपके बारे में information बोलूंगी, फिर then we can start our stories, right? So Lajoma is a senior citizen. She is 72 years old. She teaches all the underprivileged children to make the best out of the waste. She teaches them art, she teaches them handicrafts so that they can be empowered and they can, you know, earn their own living. She studied from a Sindhi medium and then there is a phone close to you. अभी ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, हाँ बेटा. ओके. She studied in Sindhi medium school, but by helping the blind students in their education, she learned English and Hindi too. And her volunteers are her pillar of strength. And she says, for her, age is just a number, and whatever trash you give her, she will convert it into treasure. That is so beautiful. Lajoma, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ आके इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों को आज मोटिवेट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट कि आप कहाँ से हैं, आपकी पैदाइशी कहाँ पे हुई और आपका बचपन कहाँ गुजरा, बताइए थोड़ी आपके बचपन के बारे में. थैंक यू पहले तो आपको एंड गुड इवनिंग बेटा. मैं अहमदाबाद में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ, गुजरात से. एंड वेरी रिच फैमिली में ही बॉर्न हुई थी, लेकिन मेरा स्कूलिंग वो बहुत वेरी शाय टाइप की लड़की थी. बट उसके बाद भी मैं बहुत ब्यूटीफुल, चबी एंड विथ वेरी लॉन्ग हेयर एंड वेरी स्टिकर, वेरी सिंसियर गर्ल. ओके. मेरे मेरे 6 भाई बहन थे, जिसमें से मुझसे छोटे 2 भाई एंड 1 सिस्टर थी. जब मैं 6 या 7 साल की थी, मुश्किल से मॉम एक्सपायर हो गई. ऑल ऑफ सडन ये न्यूज, एंड डैडी बहुत मिलियनेयर थे, वेरी रिच फैमिली में बॉर्न हुई थी. लेकिन पापा स्टेप मदर लेके आए, वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, रोलर कोस्टर की जर्नी स्टार्ट हुई. वहां से जहाँ हर चीज का रिस्ट्रिक्शंस होता था, हर चीज में, मतलब कपड़े से लेके खाने पीने तक का, स्कूल यूनिफॉर्म तक का, एंड बुक्स एंड स्टेशनरी तक का, बस ये जर्नी थी. तो उसके बाद आपने क्या किया? मतलब आप ये जो आप बोल रहे हो कि आपने यू नो स्ट्रीट चिल्ड्रन को हेल्प करना लगा, तो ये आप इस सब चीजों में कैसे आए? यस, जब मदर स्टेप मदर थी, तो हमने सब बेस्ट, मतलब है ना, वो सब कचरा ही ऐसी चीज थी, जो हमें आसानी से मिलती थी, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म्स भी हमको वेस्ट में से ही बना के अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश करनी थी, प्लस छोटे भाई बहनों का जैसे है ना वो गुजारा, एंड वो सब चीजें स्कूल में हमको आर्ट फॉर्म के वो सब चीजें बतानी होती थी, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दिए जाते थे, जिसमें हम स्टेशनरी भी यूज किए, प्लस स्कूल यूनिफॉर्म भी यूज मटेरियल में से ही यूज करके जोड़ जोड़ के बनाते थे, और वो यूज करके हमने स्कूलिंग किया था. और उसके बाद ये जो आर्ट फॉर्म हमारी जर्नी जो चालू हुई, उसके बाद ऑल ऑफ सडन हमारी स्टेप मदर के होने के कारण ये रिस्ट्रिक्शंस एंड वो सब, मदर का वो सब, और मैं छोटी थी बहुत,
और पापा ने छोटी उम्र में स्टेप मदर के कारण मेरी, मैं मुश्किल से 18 साल की भी नहीं थी, चाइल्डहुड विक्टिम थी मैं मैरिज में, तो उसमें छोटी उम्र में मैरिज हो जाना और फिर इन-लॉज के वो स्टेप मदर के ताने दे दे के और घर से धक्के मार के और निकाल देना हाथ खाली, जिसमें मैं गॉड का सपोर्ट करती हूँ कि है ना, उस गॉड ने मतलब मेरे को हस्बैंड है उसने, उन्होंने सपोर्ट किया पूरी तरह से, वो मेरे साथ हुए। और वहां फिर मेरी ये जो वेस्ट की आर्ट है, जो कचरे में से चीजें बनाना, वो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी रोलर कोस्टर की। तो वहां से मेरे को पहले तो ये हॉबी थी, उसके बाद मैंने उसको प्रोफेशनल वे में लिया कि कमाई का साधन बनाया। सिंस है ना, मेरे इन-लॉज भी बहुत रिच फैमिली से थे, लेकिन हाथ खाली, जिसमें उस टाइम मेरे पास न तो रहने को छत थी न तो पहनने को कपड़ा था, और मेरे को गुजारा करने का बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद मैंने ये कचरे को ही अपनी लाइफ बनाई थी, और कचरा बीन बीन के उसमें से ही टुकड़े टुकड़े जोड़ के छोटे बेबी फ्रॉक्स वगैरह कपड़ों के टुकड़ों में से बनाना, प्लस आर्ट की चीजों को उनको मैंने है ना प्रोफेशनल वे में लेके बेच बेच के अपना गुजारे का साधन बनाया। और उसके बाद अब मेरा ये पैशन है कि जिसको मैंने पैशन के तौर पे, और मेरे जो ये बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज और वो सब, तो उनको मैं ये सपोर्ट करने के लिए ये सब आर्ट करती हूँ। एंड आज मैं बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट आर्टिस्ट कहलाती हूँ, जिसमें मेरे टीवी पे शो भी आते, टीवी पे शोज आते हैं, एंड दादी माँ के नुस्खे भी वो करती रहती हूँ, तो उस हिसाब से जब आपने पेंशन। वो कौन सा टाइम था कि जब आपने ये डिसाइड किया कि आप जो स्ट्रीट पे जो बच्चे बैग करते हैं उनको ये आर्ट सिखाओ, वो कब से आपने शुरू किया? ये मैंने तब से चालू किया था, आपको सुनाई दे ये रहा? मेरा जब, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये मैंने है ना चालू किया जब से, मतलब पहले तो है ना मेरा ये प्रोफेशनल वे में जैसे लिया था उसमें कमाई का जरिया बनाया, और बाद में मेरे जब बच्चे हुए, अब है ना मैं अच्छी फैमिली, हाँ मेरा ये कमाई का साधन था। और है ना फिर उसके बाद मैंने है ना जब बच्चे हुए और बाद में मेरी पोजीशन बहुत अच्छी पहुंच गई, और अच्छा अभी तो आज मेरे पास गाड़ी है, मकान है रहने को, और अच्छा खासा मानो खाने पीने को, और ये बच्चों का सपोर्ट, बच्चे भी अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, तो उस हिसाब से वेल सेट होने के बाद मैं ना अच्छी तरह से यही सोची कि ना क्यों ना मेरे जैसे ये जो स्ट्रीट बच्चे हैं जो कचरा बीनते हैं और अपना गुजारा करते हैं, उन बच्चों को क्यों ना मैं ये हेल्प करूं जो पूरा कचरा बीन बीन के उस कचरे को बेच के और पैसा अर्न करते थे जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो उनको मैं आर्ट फॉर्म में लेके आई, और उसके बाद टीवीज में शोज वगैरह आने लगे, तो जिसके कारण से है ना मेरे को इतनी फेम मिली कि जो बच्चे मेरे को ये टीवीज के शोज देखते हैं, बेस्ट फ्रॉम द आर्ट, आर्ट्स का कहलाती हूँ, तो उसके बाद मेरे को नाम मिला, इज्जत मिली, उनके पेरेंट्स तक मेरे को वॉच करते हैं, और आज मेरे इतने व्यूवर्स हैं जो मुझे फॉलो भी करते हैं और मेरी आर्ट की बहुत सराहना करते हैं एंड मुझसे पूछते ब्यूटीफुल हैं। और फिर ब्यूटीफुल, ये ब्लाइंड एंड हैंडीकैप बच्चे वगैरह हैं, उनको भी मैं वेस्ट से ही सब बनाना सिखाती हूँ, ये डोरमैट्स वगैरह वो सब, तो आज वो भी 2 पैसे अर्न करते हैं कि कचरा है जो लोगों के लिए कचरा होगा। ऑफ कोर्स अपन है ना स्वच्छ भारत में जी रहे हैं अभी, जो अपना जैसे समाज चल रहा है स्वच्छ भारत के अभियान में हम जी रहे हैं, तो क्यों ना मैंने ये सोचा कि कम्युनिटी को भी क्यों ना थोड़ी कम्युनिटी के लिए कुछ कर लें, तो ये कचरा जरूर बीन के और कचरे को मत सोने जैसा वो करके, एंड है ना उसकी बच्चों की है ना सुनहरी लाइफ को आगे बढ़ाती हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
तो आपने ये तो बहुत प्यारी चीज कर रहे हो आप। तो ये बताइए कि आपने ये ब्लाइंड बच्चों के लिए जो पेपर्स आप लिखते हो, तो यस वो कब से शुरू किया, और वो कौन सा वो इंसिडेंट था कि आप कैसे इसको ये चीज आपने शुरू की? ये चीज मैंने जब ये हाँ जी ये बच्चों के जो पेपर्स में जैसे लिखती हूँ, तो वो बच्चों के पेपर्स लिखने में मेरे को वो बच्चे है ना, जब मैंने मेरे नेबर का जैसे बच्चे की एग्जाम्स चल रही थी और मैं उसको पढ़ा रही थी, क्योंकि उनका पढ़ पढ़ के ही मैं पढ़ी थी और बच्चे के एग्जाम्स में मैं बच्चे को अपने पढ़ा रही थी, तो इतने में ऑल ऑफ सडन मेरा वो नेबर वो ब्लाइंड बच्चा आ गया था कि ना आंटी प्लीज मेरा पेपर लिखोगे, कल मेरा राइटर नहीं आने वाला है। तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि मैं कैसे लिख सकती हूँ, कि मैं तो कुछ इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ और कैसे लिखूंगी वो भी ब्लाइंड बच्चे का पेपर। तो उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके मम्मी पापा भी मेरे आगे बहुत रोए थे कि नहीं इस बच्चे का पेपर अगर लिख सको तो मैंने बोला कि ना मैं कोशिश करूंगी। और वहां बच्चा है ना उसका मैं पेपर लिखने चली गई और वहीं एग्जामिनेशन हॉल में, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड नर्वस भी बहुत थी, बहुत नर्वस थी कि ना वो बच्चे का वो एग्जामिनर थे, उनसे पूछा था मैंने कि ये कैसे करेंगे ब्लाइंड बच्चों के पेपर्स, तो उनको मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला पढ़ के बस बताना है, वो बच्चा जो आंसर देगा वो आपको लिखना है। मैंने कहा वेरी सिंपल, तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंट आया। लेकिन वो एक बच्चे का पेपर लिखा, वहीं का वहीं क्लासरूम में दूसरे बच्चे का वो राइटर नहीं आया था और वो फेंट होके गिर गया वहीं का वहीं मेरी आंखों के सामने, जो मैं देख नहीं सकी। फिर उसका भी पेपर मैंने लिखा था, उसका भी पेपर, और वहां से फिर मैं बाद में चालू हुई थी कि अपने नेबर्स वगैरह को रिक्वेस्ट की, अपने बच्चों को तक को लेके जाती थी कि बेटा आप तो अभी छोटे उसमें पढ़ते हो लेकिन वो बच्चों के एग्जाम्स लिखना तो वेरी आसान है ना, आप तो कर सकते हो कि उनका पढ़ पढ़ के और वो जो बोलेंगे वो ही आपको लिखना है, तो आप लोगों की हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है। फिर मैं बच्चों को लेके जाती थी, उसको देख के दूसरे नेबर्स के भी बच्चे आने लगे मेरे साथ, ऐसे करके हमने ग्रुप बनाया। अजय मैं 8-10 साल से तो बी समवंस आई विजन हीरोज का काम करती हूँ और वाह, उसमें है ना बच्चों को करती हूँ, और आज मेरे पास 5,000 से भी ज्यादा राइटर्स जो मेरे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं जिनको मैंने आज तक देखा नहीं है। मुझे फोन यूज करने नहीं आता है बेटा, तो मैं मैसेजेस वगैरह किसी को नहीं कर सकती हूँ, एक कॉल करती हूँ फिर है ना, या तो भी अपने वॉलंटियर्स की हेल्प लेती हूँ तो वो वॉलंटियर्स मुझे वो सब करके देते हैं मैसेजेस वगैरह, और है ना उनको वहां तक पहुंचाते हैं, और ये उसी के थ्रू है ना ये बच्चे है ना सब मेरे पास राइटर्स आते हैं। उनको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी सीख। और उन बच्चों को मेरे को इंग्लिश हिंदी एंड गुजराती ये कुछ नहीं आता था, उन बच्चों का एग्जाम देने जाती थी तो उनके बुक्स पढ़ के और मैं जाती थी कि कैसे लिखने का होता है, और उनकी अंदर से ही मैं अल्फाबेटिकल वो वर्ड्स वगैरह सब सीखी थी, और आज मेरी हैंडराइटिंग पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं अच्छी तरह से लिख पाती हूँ। वाह, बट वो इतना सुंदर ये है जो जर्नी आपने बताई कि कहाँ से प्रिंसेस के जैसे आप पैदा हुई रिच फैमिली में, फिर एक स्टेप मदर आई, एकदम फेरी टेल, एक स्टेप मदर आई, उसने आपका पूरा जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर आप कैसे, आपका प्रिंस आया, आपके हस्बैंड, फिर लाइक सो ब्यूटीफुली आपने वो सब चीजें अपने वश में की, और अपने जैसे आप बोल रहे हो कि छोटी छोटी चीजें आपने ट्रैश में से बना के आर्ट बनाया, बेचा, एंड सो ब्यूटीफुल, मतलब कि आपने पुअर लोगों को भी हेल्प किया और ब्लाइंड लोगों को। तो और आप क्या कर रहे हो? आपने उस दिन बताया था कि पैंडेमिक में आप काफी सारा खाना भी बना के दे रहे हो, उसके बारे में बताओ। सिंस मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट थी, मेरी हॉबी थी एक खाना बनाना,
तो जिस तरह से मैं ये आर्ट फॉर्म करती हूँ वेस्ट में से, वैसे ही मेरा कुकिंग हॉबी बन गया था कि जो वेस्ट में से कोई भी चीज बच जाती थी तो उसमें, क्योंकि मैंने कुकिंग क्लासेस वगैरह कुछ नहीं किए थे, तो इन्हीं सभी का अखतरा करके और खाने की नई 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 वेराइटीज बना के घर वालों को खिलाती थी और उनमें से तारीफें मिलती थी, नेबर्स को खिला के आती थी तो उनमें से तारीफें मिलती थी कि अरे बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन क्या क्या डाला था वो मैं सब भूल जाती हूँ कि कितना कितना डाला वो सब भूल जाती हूँ, लेकिन अपने ऊपर अच्छा कॉन्फिडेंट इतना था कि आज मेरी वो हॉबी ही मेरे को काम आई कि आज पहले जैसे यानी ये लॉकडाउन हुआ था स्टार्ट 2020 में, तब से मेरा ये खाने की सेवा जाती थी, तब वो जो फंस गए थे सीनियर सिटीजन्स एंड वो जो बच्चे जिनको कुकिंग नहीं आती थी, जिनके वहां कुक्स आते थे या बाहर का खाना खाते थे, तो उन बच्चों को हेल्प करते करते कई बार है ना उनको बोलती थी कि फोन करो उसमें मैं सब बताती हूँ आपको खाना बनाना, और वो सीनियर सिटीजन्स को खाना खिला के भी आती थी हाथ से, मुझे डर नहीं लगता था यानी ये कोरोना का और वो सब, क्योंकि गॉड है, गॉड अगर अपने ऊपर राजी है तो वो सबके ऊपर राजी होता ही है और अच्छे हो जाएगा सब कुछ। फिर मास्क अभी पहन है ना, के जाते थे ना, मास्क पहन के जाते थे ना यस, मास्क, हैंड ग्लोव्स और पूरा ऐसे तो सेफ्टी रखती, हेलो क्योंकि सभी पहले उस टाइम तो अफवाह फैलाते थे कि सीनियर सिटीजन को जल्दी पकड़ लेता है, अब कोरोना है क्या चीज, उससे मेरे को थोड़ा बहुत तो डर था, लेकिन ऊपर वाले का नाम लेके बेटा मैं निकल जाती थी कि नहीं, वो वेरी गुड। फंसे हुए अंदर तो रोते थे तो वो भी तो सीनियर सिटीजन है ना, चली जाती हूँ, फिर ऐसे उनको खाना अच्छा वाना खिला के आती थी, तो ऐसे मेरे को, और हम लोगों ने पूरा सोसाइटीज में ऐसे मुहिम भी चालू की थी कि हर घर से 2 जनों का 4 जनों का खाना एक्स्ट्रा बनेगा जो नीचे वॉचमैन की कैबिन पे छोड़ा जाएगा, वो सब वाह वहां से ही कलेक्ट, मेरे वॉलियंटियर्स और मेरे साथ यंग बच्चे हैं इतने सब वॉलियंटियरिंग करते हैं, मैं उन्हीं को ये सब श्रेय दूंगी क्योंकि है ना उन बच्चों ने, मैं ड्राइव नहीं करती हूँ तो कोई ना कोई मेरे साथ ड्राइवर बनता था और सभी बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि आज भी, बिल्कुल आज जैसे ये कोरोना का ये दूसरा सीजन चालू हुआ है तो उसमें तो बहुत ये पेंडेमिक है कि जिस तरह से कॉल्स आते हैं और बच्चों खाने के लिए और सब पॉजिटिव 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 की रिपोर्ट सुनती हूँ तो थोड़ा डर भी लगता है कि है कोरोना है, पर है ना सेफ्टी के साथ है ना मैं आज भी उनको टिफिन वगैरह पहुंचाती हूँ, विथ इम्यूनिटी के लिए मैं मुखवास वगैरह ऑर्गेनिक बनाती हूँ, वाह आंवला एंड जिंजर का जो मैं अच्छी तरह से उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ और घर का हेल्दी बना हुआ ब्यूटीफुल खाना देती हूँ उनको वो सब, और फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ बेटा ये सब उनको। ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल। मेरे को दो तीन कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे आए हैं, मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। श्रीधर डीवी बोलते हैं कि शी लुक्स रेडियंट एंड कंटेंटेड, नो सरप्राइजेस, हर ब्यूटी रेडिएट। यशपाल बोलते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन हियरिंग हर इंटेंटली विद अ स्माइल ऑन माय फेस। पांडे रविशंकर जी बोलते हैं, एज इज ओनली अ नंबर दैट इज प्रूवन बाय यू। आपके हृदय में प्यार की तनिक तकनीक का खजाना है। आधुनिक तकनीक आपके सामने कुछ भी नहीं है, ईश्वर आपको सदा खुश रखे। एंड तृप्ति भगत बोलती हैं, वेरी सिंपल एंड हाईली मोटिवेटिंग, सो ब्यूटिफुल। आपके जो कमेंट्स हैं, जो आप कर रहे हो वो ही इतना ब्यूटिफुल है, तो आपकी जो एनर्जी है इतनी पॉजिटिव है कि वो सब लोग इतने खुश हैं। और बताइए, तो आप और क्या क्या करते हो? आप आर्ट टीचर हो, आप विजन हीरो हो, आप खाना बांट रहे हो, और क्या क्या करते हो? हाँ मैं बाकी सब तो बस ये आर्ट फॉर्म ज्यादा वो करती हूँ, प्लस बाकी है ना वो सब लाइफ सभी के साथ, और मैं लाजू से कब कब लाजू माँ बनी आई डोंट नो, क्या ना एक लाजू माँ के नाम से तो जानती हूँ लेकिन मैं मम्मी दीदी के नाम से, मेरे को कई बच्चे मम्मी दीदी के नाम से बुलाते हैं क्योंकि मैं मम्मी कम दीदी ज्यादा लगती हूँ यस जो आपने भी मुझे एब्सोल्युटली देख लिया था, एंड उम्र आज मैं कॉरपोरेट सेंटर में जहाँ मैं जाती थी, जहाँ मैं जाती हूँ, जैसे कई बच्चे है ना ऐसे हैं यंगस्टर्स जो मतलब है ना ये कचरे को कचरा ही, मुझे जब ये स्टार्ट किया था कचरे का बेटा तब मुझे पहले पहले तो लोग है ना कचरा बीनने वाली कहते थे,
कि कचरा बीनने वाली आ गई। फिर मुझे शर्म पहले पहले आती थी, लेकिन उसके बाद मैंने शर्म छोड़ के, मैंने कहा कि पेट का गुजारा करने के लिए अपने को शर्म छोड़नी पड़ेगी। फिर ये राइट गुजारा करने के लिए मैंने कचरा बीना, उसमें से नई नई चीजें बनाती थी बहुत अच्छी, जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स ले लो, जिसमें कांच की राइट बॉटल्स ले लो, डब्बे डुबड़िया ले लो, चनिया चोली चनिया चोली बनाती हूँ मैं, जो आज मैं पिछले 8-10 साल से चनिया चोली बनाती हूँ, लेकिन टोटली वेस्ट में से, जिसमें एक्सरे वाह फिल्म जो वॉशेबल होती हैं, और कपड़ा में टुकड़े टुकड़े जोड़ के मैं चनिया चोली बनाती हूँ जो वॉशेबल होते हैं, और मैं उन्हीं बच्चों के लिए बनाती हूँ जो मेरा बच्चे जैसे हैं, उन्हीं को ही पहनाती हूँ। हर नवरात्रि में मैं नया चनिया चोली से ही स्टार्ट करती हूँ, जिसको 6 महीने मेरे को कचरा इकट्ठा करने में लगता है, फिर उसमें माइंड लगाती हूँ, जिसमें मैंने दवाई के स्ट्रिप्स का यूज किया है, और है ना एक्सरे फिल्म्स का यूज किया है, अखरोट बादाम वाह और पिस्ता के जो छिलके होते हैं वो लोग अंदर से खाके माल तो बाकी छिलके फेंकते हैं हर कोई, लेकिन मैं राइट उनको इकट्ठा करके और उसमें से चनिया चोली बनाई हूँ, कपड़े के ऊपर वॉशेबल, एंड वाह टाइल्स के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े हैं, सीडीज हैं वेस्ट की, आइसक्रीम स्टिक्स हैं, इन्हीं सभी को वाटर प्रूफिंग करके और इन्हीं सभी से ही मैं चनिया चोली बनाती हूँ, और मुझे बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट का इसीलिए बहुत खिताब मिले हुए हैं इसके, ना मेरे भाई टीवी ब्यूटीफुल पे एंड ये न्यूज़पेपर्स में वो मेरे आते रहते हैं आर्टिकल्स वगैरह, एंड थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल कुछ राइटिंग का कर लेती हूँ, पोएम्स एंड स्टोरीज वगैरह, एंड अरे कुकिंग वाह के रियलिटी शोज वगैरह, सो लेकिन गुड सभी बच्चे आते हैं ओके जैसे अगर आइडियाज लेने तो मैं उनको आइडियाज देती हूँ, और वेरी गुड कॉरपोरेट सेंटर जाती हूँ जैसे शोज वगैरह देने, तो वो यंगस्टर्स हैं काफी, इसको अच्छा काम नहीं समझते हैं, क्या ना ऐसा सोचते हैं कि वेस्ट की, जहाँ हर बर्थडे सेलिब्रेट होता है, जैसे किसी का भी अगर स्टाफ वालों का किसी का भी बर्थडे है तो आइसक्रीम के साथ स्वागत किया जाता है, सबको आइसक्रीम्स खिलाई जाती है, तो उसके लिए मैं डब्बे भी ले लेके घूमती हूँ उनके पीछे कि आइसक्रीम स्टिक्स वगैरह इसमें भेजी करो, एंड कॉर्पोरेट सेंटर्स में तो आपको मालूम है सीडीज एंड ये बल्ब है यूजलेस, वो सब या बहुत निकलते हैं, न्यूज पेपर्स राइट वगैरह, वो उनको मांगते हैं तो वो नहीं देते हैं, और इन्हें पहली बार जब देखते हैं मानो मेरे टीवीज में शोज आते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि ऑर्फिन बच्चे इसमें से कुछ क्रिएटिविटी करके और कुछ उसमें से अर्न करेंगे, फिर वो देने के बजाय उसको तोड़ तोड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है बेटा, जो मुझे हर्ट करता है बहुत, कि लोगों के लिए अक्सर अपन भी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं या राइट, करेक्ट और कचरा ही तो ले करेक्ट रहे हैं, जो लोगों के लिए कचरा है उसको हम सोने का अगर बनाते हैं, हमारे लिए वो सोना है, मेरे बच्चे उसमें से गुजारा करते हैं जो मेरे को खुशी देती है, तो फिर है ना ऐसा ना होना चाहिए। सो ब्यूटीफुल एक और कमेंट आया है स्मृति शाह का वाओ एक्सेलेंट यू आर अ रियल इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस बीइंग यंग एंड वी कीप कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग बट यू आर जस्ट एन एनर्जी बूस्टर वेरी ट्रू मतलब थैंक आप सीनियर सिटीजन हो और फिर भी आप इतने एनर्जी रेडिएट कर रहे हो एक्सलेंट सी सी सो देखा ना, ये उम्र कुछ सीखने और सिखाने की कोई एज नहीं होती है, इंसान हार्ट से अपना जवान होना चाहिए, इंसान की पहचान हार्ट से होती है, तो मैं हार्ट से जवान हूँ आज भी, क्यों नहीं कर सकते हैं अपन, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू स्मृति। थैंक यू सो लाजोमा आप कुछ हमारे व्यूअर्स के बारे को कुछ मैसेज देना चाहती हैं कुछ मोटिवेट करने के लिए कि वो भी आपके जैसे ब्यूटीफुल काम करें यस, मैं एक ही बोलूंगी कि पहले तो मैं सभी व्यूअर्स के ये साथ यही शेयर करूंगी कि अगर आपके लिए कोई चीज कचरा है तो उसको कचरे के डब्बे में न डाल के 2 बार उसके लिए सोचें कि वो किसी की लाइफ सुनहरी बना सकते हैं, क्या ना वो हमें भी दिखा सकते हैं, या किसी से भी पूछ के और उसको क्रिएटिविटी को आगे कर सकते हैं, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कचरे की अगर हमारी चीज है, जैसे वो बच्चे अर्निंग के लिए कुछ अगर सेलिंग के लिए रखते हैं प्रोफेशनल वे में लेके आते हैं, तो कई लोग मुड़ के भी नहीं देखते हैं कि है तो कचरे में से बनी हुई चीज ना, तो इसको क्या राइट देखेंगे, क्या ना होगी तो राइट कचरा ही होगी ना,
तो मैं एक ही राइट बोलना चाहती हूँ सभी को कि नहीं, सभी कचरा कचरा नहीं होता है। स्वच्छ भारत में आज रह रहे हैं, कम्युनिटी के लिए अगर थोड़ी बहुत ये सफाई भी हो जाती है, जैसे कांच प्लास्टिक ये सब में से अगर हम उसमें से कुछ भी पेड़ पौधे हैं उनके भी बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं फ्लावर्स, तो उसमें भी अपन 2 पैसे की अर्निंग नहीं करो आप, लेकिन है ना किसी के लिए वो सब करो अच्छी तरह से, कि कचरे को कचरा ब्यूटिफुल, मत समझो। सो ब्यूटिफुल। तो आप शायद चांदनी फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, बिकॉज चांदनी निर्मलानी ने मुझे आपका रेफरेंस दिया, तो दैट मैं इज सो नाइस। उनके साथ क्या करते हो आप? सुरेश उनके निर्मलानी साथ बोलते हैं यू आर रॉकिंग लाजोमा, एंड यशपाल फिर से बोलते हैं शी इज थैंक सो सो जेन्युइन एंड प्योर, सो नाइस। यू बताइए। भैया। मैं चांदनी फाउंडेशन से तो बरसों के साथ जो बरसों से जुड़ी हुई हूँ, और चांदनी फाउंडेशन ये सब काम करता है जैसे ब्लाइंड, मेंटली डिसेबल, हैंडीकैप एंड ये सभी बच्चों का। मैं ट्रैफिकिंग किड्स के साथ जुड़ी हुई हूँ बेटा, जिनको उन्हीं के माँ बाप कचरे के डब्बे में डाल देते हैं और कई बच्चे किडनैप हो जाते हैं, जैसे उनके ऑर्गेन्स रिमूव करके उनको बेगर बनाया जाता है, वो मुहिम के साथ जुड़ी हुई हूँ जैसे। तो है ना ये सभी करती हूँ, एंड ब्लाइंड बच्चों के पेपर्स लिखने जाती हूँ, जो भी चांदनी फाउंडेशन के थ्रू ही मैं जुड़ी थी, विजन राइट हीरोज, एंड हेयर यस डोनेशन का काम करती हूँ कैंसर पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ओके मेरे को भी लॉन्ग हेयर थे, लॉन्ग हेयर थे, बहुत ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, हेल्दी हेयर, तो मैं बाल्ड हो जाती थी, जब देखो बाल्ड हो जाती थी। पहले पहले शुरू शुरू में बाल्ड होना उस शर्म आती थी, लेकिन मैं सिर पे दुपट्टा बांध के घूमती हूँ तो मुझे शर्म नहीं आती है। अभी भी मैंने कटवाए थे और है ना फिर अभी इतने हुए हैं तो फिर है ना उनको थोड़ा बड़ा, और है ना स्माइल स्प्रेड करती हूँ। सबसे और बड़ी बात सो तो मैं ओल्ड एज होम्स वालों के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिनके बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं देते हैं, तो मैं ये थोड़ा बहुत जैसे ऑर्गेनिक कुछ भी होता है कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है, कुछ उनको भी थोड़ा बहुत सोचती हूँ कि नहीं कुछ अर्न का वो साधन करके दूं, कुछ अर्निंग का, सो कहना वो भी लाइफ में कुछ तकलीफ नहीं देखे कैसे। ओके सो मैं उनके क्यूट। साथ भी टाइम काफी स्पेंड करती हूँ। ओके आप बोल रहे थे कि आप अपने जो लंबे बाल हैं वो आप डोनेट करते हो कैंसर पेशेंट्स को, हाँ ऐसे जी बोल हाँ रहे जी हो हाँ आप? जी हाँ दैट इज जी सो ब्यूटिफुल, दैट इज सो ब्यूटिफुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो हाँ, आप बोल रहे थे आप ब्लाइंड, आप ओल्ड एज होम्स में जाके आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। यस, बहुत टाइम उनके साथ स्पेंड करती हूँ मैं, जितना भी टाइम मिलता है ना मैं उनके पास चली जाती हूँ, उनके साथ जैसे भजन कीर्तन वगैरह हम लोग करवाते हैं, उनके साथ गेम सेलिब्रेट करते हैं, उसमें से कई बार आता है उनको खुशी देने के लिए, भाई ठीक है एक लाइफ पार्टनर बना लेती हूँ तो कुछ टाइम के वाओ लिए उनकी लाइफ पार्टनर बन जाती हूँ। मतलब मैंने लाइफ का एम है सभी के फेसेस पे स्माइल अच्छी होनी चाहिए और सभी दिल से जवान होने चाहिए सभी। वो बच्चों का तो इंतजार करते 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 ऐसे ही चले जाते हैं, इवन हम जैसे है ना ये डेड बॉडीज वगैरह का, वो भी अगर अनक्लेम्ड होती है तो उनका क्लेम पास करवा के और उनकी अंतिम दाह भी करके आते हैं, ये ओके सब हम फीमेल्स 3-4 चले जाते हैं और ओके ओके उनकी हेल्प, मतलब जो कम्युनिटी के होते हैं उनकी हेल्प लेके, और उन्हीं के विधि विधान से होता है सब कुछ। दैट इज सो ब्यूटिफुल। सो और हंगर स्प्रीति हीरोज सर, का काम करते हैं, हंगर हंगर, सॉरी बताइए हीरोज का, यस हंगर हीरोज का वो क्या है, फूड के लिए बताइए। हम करते हैं, जीरो वेस्टेज ऑफ फूड, कि कहीं भी ओके किसी भी घर में जैसे बचा हुआ खाना होता है, 2 जनों का है, 5 जनों का है, 10 जनों का है, वो हमें कॉल करते हैं और उनके घर से हम कलेक्ट कर लेते हैं और वो नीडीज में बांटते हैं इकट्ठा ओके करके, सो किसी होटल्स आपको में, रेस्टोरेंट में, पार्टीज में, वो सब, वाओ फिर कितनों का भी हो, यूं 2 जनों से लेके हमारे पास 2-2 हजार तक के लोगों के खाने आते हैं, खाना आता है, तो वो सब हम वेरी कलेक्ट करते हैं, फिर वो टाइम नहीं देते हैं उसमें हम निकल पड़ते हैं। राइट। सो आपके पास बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं ये सब कलेक्ट करवाने के लिए और ये सब? ओके हाँ मेरे साथ सभी यंगस्टर्स बच्चे ही हैं सब जुड़े हुए,
जिसमें सीनियर्स भी हैं कुछ, एंड आजीवन विजन हीरोज का काम करते हैं उसमें कितने तो मेरे राइटर्स हैं जो सीनियर्स हैं, बिल्कुल 80 ईयर्स बहुत तक के मैं राइटर्स लेके जाती हूँ अपने साथ, 50 ईयर्स वाह तक के, और बच्चों का पेपर लिख के आते हैं, और छोटे बच्चे हैं जो स्कूलिंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ 12 साल के जो, और मेरे पास वो मेट्स भी हैं छोटे छोटे, उनके मेट्स के बच्चे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि ब्लाइंड बच्चों के लिए राइटर्स हमको एंड मोमेंट पे टर्न अप नहीं होते हैं, किसी बच्चे का राइटर नहीं आया और उसने धोखे से मतलब है ना वो फोन भी अपना स्विच ऑफ कर लिया, तो बाहर भागते हैं और रोडों से ही सड़क से ही हम किसी को भी पकड़ के लेके आते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि है ना हमारा भाई पेपर लिखोगे ब्लाइंड बच्चों का, कि फ्री बैठे हो तो चलो भाई इधर, या मोबाइल पे बैठे बहुत होते हैं सड़क पे उनको पकड़ के आते हैं। तो ऐसे मेरे पास है ना 3 बहनें हैं जो मेड का काम करती हैं, उनकी मम्मी भी घर पे मतलब घर काम का काम करती है, वो तीनों बच्चे मेरे साथ आते हैं जिसमें 10 साल की है, 12 साल की बच्ची है और 13 साल की बच्ची है, तीनों बहनें हैं, तीनों सिस्टर्स आती हैं विथ अ वेरी बिग स्माइल के साथ आती हैं और पेपर्स लिखती हैं हमारे साथ। वेरी गुड. तो वापस स्मृति शाह बोलती है, मे यू लिव अ लॉन्ग एंड लॉन्ग लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग एंड गेट ऑल द हैप्पीनेस टू स्प्रेड हैप्पीनेस. यशपाल जी वापस बोलते हैं, लाजोमा हैज मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ पुण्य अगेंस्ट हर नेम. आपको, आप बहुत बहुत हाँ बहुत पुण्य कमा रहे हो. सो दैट इज सो ब्यूटिफुल. सो एवरीबडी दैट इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम लाजोमा साइड, प्लीज फॉलो द पैराडाइम शिफ्ट पेज, बिकॉज वी ब्रिंग यू इंस्पायरिंग स्टोरीज लाइक लाजोमा, जो जिनकी स्टोरीज आप सुन के आप इंस्पायर होते हो, आप मोटिवेट होते हो अपने कंफर्ट जोन से निकल के दूसरे लोगों को हेल्प करना एंड स्प्रेड हैप्पीनेस लाइक लाजोमा एंड स्प्रेड काइंडनेस, बिकॉज kindness is contagious. And everybody that is joining us from the paradigm shift, please follow Lajoma. We will be putting her links in the after the video is uploaded, or you can simply find her on the Chandni Foundation, and you can follow her work and you can help work. And I think the Chandni Foundation also accepts donations, so we will be putting the links to their NGO details and bank details. So whatever little donation that you would like to give them and help them, that will be very, very nice. Thank you so much. और कुछ बोलना हाँ चाहते हो आप लाजोमा? थैंक यू बेटा, थैंक यू, क्रेडिट्स तो आप ही को जाता है मेरी तरफ से, क्योंकि नहीं ये सभी की हकदार एक्चुअली आप हैं और मेरे पिलर भी आप ही हो, मेरे वाह, मजबूत पिलर आप ही हो, कि मानो मेरी ये जो स्टोरी जैसे आपने की वो आप ही को ही श्रेय जाएगा मेरी तरफ से तो ओह बेटा, एंड नहीं, सभी की हम लोग इतनी दुआएं आप ही को ही मिलेगी, सबसे नहीं पहले तो नहीं मेरी दुआएं मिलेगी बेटा आपको, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लाजोमा, बहुत अच्छा अच्छा लगा बात करते करते. थैंक यू चांदनी फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल रेफरेंस. ये इतना प्यारा इंटरव्यू था, एंड आपकी प्रिंसेस फेरी टेल वाली स्टोरी वाज वेरी मोटिवेटिंग एंड वेरी 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 इंस्पायरिंग. तो कीप अप दिस गुड वर्क, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू सो मच आपके ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टाइम के लिए. एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से? थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर बेटा, और अच्छी तरह से मास्क पहनो और सेफली रहो सभी और एब्सोल्युटली. स्टे हेल्दी। सो एवरीबडी प्लीज स्टे इंडोर्स, प्लीज स्टे सेफ, प्लीज वेयर योर मास्क, प्लीज वॉश योर हैंड्स, प्लीज बी यस हेल्थी. एंड थैंक यू सो मच लाजोमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक चांदनी. यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बाय बेटा, गॉड ब्लेस बाय यू बेटा, बाय गॉड ब्लेस, बाय बाय। बाय.